हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ गांधीनगर के पास रूपाल में स्थित वरदायिनी माता जी टेम्पल, जहाँ पे नवरात्रि के आखिरी दिन माता जी की पल्ली के दर्शन होते हैं। नवरात्रि की आखिरी रात और दशहरा की सुबह। तो चलिए और मेरे साथ रूपाल माता जी की पल्ली के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ मेले का भी आनंद उठाइए। तो गुजरात में गांधीनगर के पास रूपाल नाम का एक गांव है, जहां पे हर साल नवरात्रि के आखिरी दिन में माता जी की पल्ली निकलती है, जहां पे आप इतना घी लोग वहां पे माता जी की पल्ली के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में माता जी की पल्ली के लिए वहाँ पर घी लाया जाता है। तो मैं आपको सब पूरा डिटेल से दिखाऊंगा और आपको बता भी दूंगा, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप रूपाल आना चाहते हैं तो गांधीनगर से 22 या 23 किलोमीटर रूपाल की दूरी है। तो सबसे पहले ये जो माता जी की पल्ली है वो रूपाल गांव से निकलती है, तो सबसे पहले वो पल्ली पूरे गाँव में अंदर घूमती है। हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए पल्ली माता जी की रुकती है, जहाँ पे लोग अपनी इच्छा के अनुसार, जो उन्होंने मन्नत मानी है उसके अनुसार, वो लोग माता जी की पल्ली के ऊपर घी चढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा मेला है वो नवरात्रि की आखिरी रात को चालू होता है और पल्ली निकलने का समय है रात को 3 बजे। तो अगर आपको पूरा सब प्रोसेस देखना है कि कैसे पल्ली गाँव में घूमती है, कैसे घी चढ़ता है और कैसी वहाँ पे जो उनका कल्चर है वो सब आपको देखना है, तो मेरा सजेशन है कि आप रात को 12-1 बजे ही आप रूपाल पहुँच जाइए। नहीं तो अगर आपको सिर्फ पल्ली के दर्शन करने हैं, आपको पूरा प्रोसेस नहीं देखना है, तो आप अगले दिन सुबह यानी कि दशहरा की सुबह आप सीधा मंदिर में जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको घी चढ़ता हुआ सुबह नज़र आ जाएगा और वहाँ पे आपको माता जी की पल्ली के दर्शन भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये इकलौता मंदिर ऐसा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में माता जी की पल्ली के ऊपर घी चढ़ाया जाता है। लोगों की जो भी मन्नत हो वो सब पूरा करने के लिए यहाँ पर घी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, पूरे ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ भरी हुई है, सभी जगह पर बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं, सब में आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी मन्नत के अनुसार आप उसमें लाके घी डाल सकते हैं ऐसे ड्रम के अंदर, और फिर जब पल्ली निकलेगी तो वो लोग आपकी तरफ से घी पल्ली के ऊपर चढ़ा देंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक रूपाल में माता जी की पल्ली पे घी चढ़ाने की प्रथा पांडवों के समय से चलती आ रही है। पांडव अपने वनवास के दरमियान रूपाल में आए थे, उसकी पूरी कहानी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था वरदायिनी माता जी के टेंपल के ऊपर, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स है। तो नवरात्रि के आखिरी दिनों में यहाँ पे घी की नदियाँ बहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मन्नत के अनुसार घी ये ट्रॉली में खाली कर रहे हैं। तो नवरात्रि की आखिरी रात गाँव में घी की नदियाँ बहती है। माता जी की पल्ली रूपाल गाँव में रात को 3 बजे स्टार्ट होती है नवरात्रि की आखिरी रात को, और पूरे गांव में घूमकर सुबह 7-7:30 तक मंदिर में पहुंच जाती है। तो आपको अगर सिर्फ दर्शन करने हैं तो आप 7:30 के बाद सीधा मंदिर जा सकते हैं। आप लोग भी अगर रूपाल माता जी की पल्ली के दर्शन करने के लिए गांव में जाते हैं नवरात्रि की आखिरी रात को, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके साथ आपके बूढ़े पेरेंट्स या छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा जल्दी 12-1 बजे ही आप गाँव में चले जाइए और कहीं एक किसी एक जगह अपनी जगह पकड़ लीजिए और वहाँ पे खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, वरना 2-2.5 बजे के बाद तो आपको खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो पूरे रूपाल गांव में और पूरे गुजरात में इस प्रथा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। रूपाल के अलावा गुजरात के सभी इलाकों में वरदायिनी माता जी को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बोलिए जय वरदायिनी माता।
तो वरदायिनी माता जी का ये जो पल्ली मेला लगता है उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपको अच्छे से मैं पल्ली के दर्शन करवाता हूँ और खुद भी दर्शन करता हूँ। तो आगे आप पूरी पल्ली देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आगे आपको मैं ज़्यादा बोल के डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो आप भी अच्छे से मेरे साथ पल्ली के दर्शन कर लीजिए।
ये जब माता जी की पल्ली एक जगह से निकल जाती है तो उस जगह पे जो घी की नदियाँ बहती हैं उसका दृश्य अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलिए जय वरदायिनी माता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।